गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कुलाम्स लॉ और ये अपने फर्स्ट चैप्टर से ही है। इससे प्रीवियस जो टॉपिक थे अपन ने पहले देख लिए थे, ये नेक्स्ट टॉपिक है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ अपने को ये बताता है कि कोई भी दो चार्ज है जैसे Q1 और Q2, ये सेम नेचर के भी हो सकते हैं, ऑपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा। तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, वो कितना होगा, तो उसने ये फोर्स का फॉर्मूला बताया कि इनके बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो यहाँ से अपने पास फोर्स का फॉर्मूला बन के आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे ये जो K है ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और ये डिपेंड करेगा कि अपने बीच जो चार्ज जो लिए इनके बीच में ये जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है। हो सकता है वैक्यूम है, या इनके बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम है, या फिर इनके बीच में कोई दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। इसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ ये कि एक इसने कुलाम ने बताया कि ये जो चार्ज जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है कि उनकी जो डायमेंशन मतलब उसका साइज़, तो ये जो इनका साइज़ वो बहुत कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों की डिस्टेंस जो है बीच की वो ज़्यादा होनी चाहिए इसके साइज़ के, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अब अपन देखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ के, ऐसा यूनिट सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है के की वो होती 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होती वो 9×10⁻⁹, और यूनिट जो होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। जो यहाँ से अपन देख सकते हैं के को यहाँ पे रखा, फोर्स की हो गई अपने पास न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा इधर तो मीटर स्क्वायर, और क्यू जो कुलाम है इसकी कुलाम इंटू कुलाम स्क्वायर जो यहाँ से नीचे चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में, तो कुलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यहाँ से अब जो अपन देख रहे हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब यहाँ पे ओ आ गया तो मतलब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या मान के चल रहे हैं कि ये वैक्यूम है, एयर इनके बीच में। इसकी वैल्यू जो होती है 8.854×10⁻½ कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं इसकी, देखो के की यूनिट ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे भेजेंगे, के को इधर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कुलाम स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है वो होती है m-1 l-3 t⁴ a⁴ 2। जहाँ से अपन ऐसे यूनिट देखी तो अपन को CGS यूनिट भी पता होनी चाहिए। CGS यूनिट होती है के की डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स की अपन क्या लिख सकते हैं, डाइन, मीटर की सेंटीमीटर, और कुलाम की स्टेट कुलाम जो पहले अपन ने प्रीवियस देखी थी। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 9×10⁹ वो यहाँ पे क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब आता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, इसको अपन स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या बताता है कि जो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लग रहा था, अगर उसके बीच में कोई दूसरा मीडियम, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो इंसुलेटिंग, कोई भी मीडियम अपन डाल दें, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो दी जाती है इसको सबसे पहले डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर, आर से हो गया रिलेटिव, तो एप्सिलॉन आर, और यहाँ से आ गया फोर्स किस में, वैक्यूम के अंदर पहले कितना फोर्स था, और उसके बाद में फोर्स मीडियम में, कि अब अगर उनके बीच में अगर अपन को मीडियम रख देंगे तब फोर्स कितना हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, Fm, ये मीडियम हो गया। अब यहाँ से अगर F की वैल्यू रखें किस में, वैक्यूम में, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो अपन ने पहले अभी जस्ट देखी है, और यहाँ से Fm जो मीडियम है, मीडियम के लिए अपन इसको
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन से शो करते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ढंग से देखें ये ओ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ से क्यू वन क्यू टू इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, आर भी कट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस वही रहेगी, वन अपॉन फोर पाई ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये एप्सिलॉन जो है वो ऊपर चले जाएगा और एप्सिलॉन नॉट है नीचे आ जाएगा। तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन आर के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मीडियम वाली अपन देखें वैल्यू कितनी होगी एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन यहाँ पे अपन ने रखा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन, तो ये इसकी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अब यहाँ से अपन देखें, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि अगर दो चार्ज है, जो अपन ने भी देखा दो चार्ज के बीच में अगर कोई कंडक्टिंग मीडियम अपन रख देते हैं उनके बीच में, तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आप इसके लिए ये भी याद रख सकते हो, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो मेटल के लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट, और एयर के लिए वन होती है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में अपन देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये अपना पास हो गया क्यू वन चार्ज हो गया, और ये अपने पास हो गया क्यू टू चार्ज। तो और अपन इनका मैग्नीट्यूड सेम मान रहे हैं और नेचर भी सेम मान रहे हैं, तो सेम नेचर के हो गए तो इनके बीच में अपने पास होगा फोर्स लगेगा, कौन सा, रिपल्सिव वाला। तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इधर, और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से ये R1 और R2 इस ओरिजिन से अपना पॉइंट वेक्टर हो गया, R1 Q1 के लिए, R2 Q2 के लिए। अब जो लाइन जॉइनिंग जो होगी फोर्स की, ये वाली होगी, ये सेम इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो अपन ने यहाँ पे अगर देखें इसके लिए, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 इस पे किसके कारण, फर्स्ट वाले के कारण, Q2 ड्यू टू Q1 इन वैक्यूम। यहाँ पे जो मीडियम मान रहे हैं अपन वो है वैक्यूम है, तो इसके लिए अपन रखेंगे F21, मतलब फोर्स किस पे, टू पे किसके कारण, वन के कारण। तो वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, जो डायरेक्शन ये होगी R21 R2 माइनस R1 R कैप R21, ये यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन शो करता है। R21 को अपन ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1, सेम एज इट इज़ अपन ये देख सकते हैं फोर्स कितना Q2 के कारण किस पे, Q1 पे। तो डायरेक्शन अब की बार क्या हो जाएगी, ये वाली ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R21 की जगह R12, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2। ये फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q, फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यहाँ से बस अपना साइन चेंज होगा, एफ वन टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू मोड का स्क्वायर, और ये वापस से अपने पास डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। अपन यहाँ पे देख सकते हैं आर टू वन कैप इक्वल्स टू माइनस आर वन टू कैप, मतलब यहाँ पे अगर इनका साइन अगर देखें तो ये माइनस लगाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स भी अपने पास क्या बोल सकते हैं, एफ टू वन इक्वल्स टू माइनस एफ वन टू, मतलब यहाँ से ही देख सकते हैं कि फोर्स जितना फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे लगाएगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास कूलम के क्या हो गए, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये किसके लिए वैलिड होगा, एक तो चार्ज क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी, और दूसरे पॉइंट मतलब छोटे चार्ज होने चाहिए और स्टेशनरी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है तो दोनों की ये जो डिस्टेंस है बिटवीन, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब तो अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ को ये ओबे कर रहा है। थर्ड, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10^-15 मीटर, मतलब अगर 10^-15 मीटर से अगर कम डिस्टेंस है तो अपन कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो वैल्यू जो होगी वो न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी, और न्यूक्लियस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है न्यूक्लियस का, जो अप्लाई नहीं कर सकते अपने यहाँ पे। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा सा कम होता है ये वाला फोर्स, मतलब वीक होता है उससे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है।
लेकिन ये स्मॉल रेंज के लिए अपने पास काम आता है। थर्ड, इफ़ ए चार्ज Q1 एग्जर्टेड फोर्स ऑन Q2, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक Q2। तीसरा, अपन कोई चार्ज ये Q3 इधर लेके आ रहे हैं, तो इस तीसरे चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपना ये फिफ्थ वाला पॉइंट था। इतना पढ़ो, रिवाइज करो और नोट करो ये पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का। थैंक यू।